IITians के बारे में आपने सुनाई है, अब उनके स्टूडेंट्स की कामयाबी सुनिए। Myself Kulsumati, Sheikh Aishan Maqbool, Shehzeen Sayed Hussain, Panchal Gupta, Aishik Abdeen, Sheikh Arshad Aziz. My NEET 2023 score is 667 and Alhamdulillah, I am a first ranker of Mumbra. I scored 651 marks in NEET 2023. I scored 612 marks in my NEET UG. I scored 592 in NEET 2023. And I scored 97.02 percentile in April attempt JEE Mains 2023. और मैंने JEE Advanced 2022 भी क्रैक किया है, जिसके बेसिस पे अभी मैं IIT खड़गपुर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में हूँ। आई डिड माई प्रिपरेशन फ्रॉम IIT एंसलन। मेरी एडवाइस मेरे जूनियर्स को यही रहेगी जो डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, स्टार्ट योर प्रिपरेशन जस्ट आफ्टर योर 10th रिजल्ट। ज्यादा जानकारी के लिए IITians विजिट करें या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। बरेली के जोगी नवादा में मुस्लिमों में फैला भय, घर के बाहर लगाए मकान बिकाऊ होने के पोस्टर, पुलिस की एक तरफा कार्रवाई है इसका कारण। मैं रफी कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले 10 से 11 दिनों में कांवड़ यात्रा के चलते बरेली के जोगी नवादा, जो बारादरी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, यहां पर दो बार सांप्रदायिक झड़पें हुई है, हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए हैं और दूसरा दंगा होने से पहले ही पुलिस ने रोक लिया था। SSP प्रभाकर चौधरी ने बेहद अहम भूमिका निभाते हुए यहां पर दंगे पर आमादा और पुलिस प्रशासन से पंगा लेने वाले कांवड़ियों पर लाठी चार्ज किया था। उनकी इस कार्रवाई के चलते और उनके मीडिया में दिए गए बयान के चलते उनको फौरन तबादला कर लखनऊ PAC भेज दिया गया। अब सुशील घुले आए हैं SSP बनकर के यहां पर, और जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है उसमें फिर एक बार जोगी नवादा, शाहनूरी मस्जिद और ये तमाम जो पूरा इलाका है, तो यहां के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, एक तरफा उन पर कार्रवाई की जा रही है। मुसलमान वैसे ही निष्पक्ष रहने वाले SSP प्रभाकर चौधरी के तबादले से आक्रोशित है, खफा है, उन्हें मौजूदा भाजपा सरकार से किसी तरह की कोई इंसाफ या न्याय की उम्मीद नहीं है। पुलिस की एक तरफा जो कार्रवाई और गिरफ्तारियों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है उससे तमाम मुस्लिम परिवार बेहद भयभीत है और उस वजह से उनका सरकार में से भी विश्वास खत्म लगभग हो चुका है। ऐसे में हमारे पास यहां से जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यह कहते हुए इन तमाम मुसलमानों ने अपने मकानों के बाहर, अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। फिलहाल ये पोस्टर, ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहे हैं और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि राम राज्य की पुलिस कैसे एक तरफा कार्रवाई करके सिर्फ एक समुदाय विशेष को निशाना बना सके। Thank you.